हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 16 ए का क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 आपको समझाएंगे। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं या फिर जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, उन सभी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 13 और 14, जहाँ पर हमें नेम द फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स दिया है ना, इसे भी मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन जो 10 है उसमें क्या दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि द लेंथ ऑफ द डायगनल ऑफ ए रॉम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो लेंथ हमें किस चीज का दिया हुआ है, रोम्बस में उसके डायगनल का लेंथ दिया हुआ है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट साइड, तो बताइए कि उसके जो साइड्स हैं ना, उनका लेंथ कितना होगा। ये देखो, रीड करने से तो बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि साइड और जो डायगनल होता है उसका कोई सेम फॉर्मूला तो है नहीं यहां पर हमारे पास। लेकिन इसे जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पर ना, कि एक रोम्बस बना लेते हैं, उसे आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है, रोम्बस का क्या होता है, रोम्बस का मतलब कि थोड़ा सा इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा रहता है, जैसे हमारा स्क्वायर रहता है ना, सेम उसी से रोम्बस रहता है। बस इसका खासियत क्या है कि इसके भी चारों साइड इक्वल होते हैं, और बीच में जब ये कट करता है ना, तो ये क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे यहां से यहां तक, ये देखो ये जो लाइन होती है ना, ये कहलाती है हमारी डायगनल। उसी तरीके से इधर से जो आती है लाइन यहां तक, वो भी कहलाती है हमारी डायगनल। ठीक है, तो ये दोनों डायगनल होते हैं। और उसके अलावा रोम्बस यही खासियत है कि उसके जो डायगनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते, जबकि स्क्वायर में जो दोनों डायगनल होते हैं ना, वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमको इसके डायगनल भी बोल दिया था ना कि एक 16 सेंटीमीटर है और एक 12 सेंटीमीटर है। मान लो ये वाला 16 सेंटीमीटर होगा, ये वाला 12 सेंटीमीटर होगा। उससे पहले देखो, जब कभी भी हम डायग्राम बनाते हैं ना, उससे फायदा क्या होता है, स्टेटमेंट कम लिखना पड़ता है। ये मैंने लगभग वीडियो में आपको बताया है। तो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया, इसे कुछ कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी, इस तरीके से कुछ नाम दे दो अपने मन से आप भी। अब उसके बाद देखो, बीचों बीच में कट किया है ना, तो जहाँ पर भी ये कट करता है वहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन जाता है, 90 डिग्री का। यानी कि इधर से भी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, रोम्बस का जो कट होता है, बाइसेक्ट होता है, वापस 90 डिग्री एंगल बन जाता है। ठीक है, तो इस बीच वाले पॉइंट का हम लोग नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, जहां पर ये कट कर रहे हैं ना, दोनों डायगनल एक दूसरे को, उसका नाम दे दो ओ। उससे क्या फायदा होगा कि हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा, और जब हमको ट्रायंगल मिल जाएगा ना, तो हम आसानी से इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये वाली जो हमारी लाइन है बी और सी, ठीक है, ये वाली इनकी डायगनल, इसका हमें लेंथ दिया हुआ, ये थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, तो इसको हम ले लेते हैं 16 सेंटीमीटर वाला। तो हम यहां पर लिख लेते हैं पहले, तो लेट द ए बी सी डी बी ए रोम्बस। मान लेते हैं ए बी सी डी जो है ना, वो एक क्या है, तो रोम्बस है। तो रोम बस इस तरीके से पहले लिख लो। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि जो ये बड़ा वाला हमारी डायगनल है बी और सी, यानी कि बी सी इक्वल टू हमें 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये भी हमने क्या किया, माना ही है ना, वहाँ पर बस डायगनल बोला था 16 सेंटीमीटर, बी सी वहाँ पर वर्ड यूज़ नहीं किया था, वहाँ पर हमको नहीं बताया था कि साइड कितना है, लेंथ कितना है, डायगनल का या फिर नेम क्या है। तो हमने वो अपने से माना, इसलिए मैंने यहाँ पर शुरू में लेट लगा दिया। लेट का मतलब ये होता है मानना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बी सी होगा वो 16 सेंटीमीटर होगा। उसी तरीके से जो दूसरा वाला डायगनल था वो कितना था, 12 सेंटीमीटर था। तो दूसरा वाला ए डी जो होगा वो भी ले लेते हैं कितना, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो होगा टोटल, ये हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो हो गया 12 सेंटीमीटर। अब आप इसमें से कोई सा भी एक ट्रायंगल उठा लो। चलो हम लोग ये वाला ट्रायंगल उठा लेते हैं, ए ओ बी वाला। ठीक है, ये वाला अगर अपन ट्रायंगल उठा लेते हैं यहाँ से, तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो ये हो गया हमारा एक एंगल, तो 90 डिग्री का मिल गया। दूसरा उसके अलावा ये वाली जो, यानी कि ये क्या हो गया हमारा एक राइट एंगल का ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यानी कि लंबाई है इस ट्रायंगल में, वो कितनी हो जाएगी, तो टोटल हमारे पास कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ए से लेकर के ओ तक की जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। बाइसेक्ट का मतलब होता है बीचों बीच से कट करना, यानी कि आधा कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो, या फिर ऐसे लिख लो आप, इन पहले इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी हमारा जो ट्रायंगल ए ओ बी बन रहा है ना, उसमें हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो जो हमारा ए ओ होगा यहाँ से, वो कितना होगा, वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि टोटल वो 12 था, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरीके से ओ और बी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, तो टोटल 16 थी, तो 16 की आधी कितनी होती है, 8 होती है, 8 और 8 16 होता है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे, ए ओ लिखा है ना, तो उसका भी नाम बी ओ दे देते हैं। ठीक है, बी ओ कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें ये वाला पता चल गया और ये पता चल गया। अगर हम अब इसको फाइंड कर लेते हैं, तो ये वाला अगर हमको पता चल गया ना, तो चारों पता चल जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि रोम्बस में जो चारों साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो बस हमको अब यहाँ से ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम लिखेंगे ए ओ बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ए बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल,
ये जो हमारा AOB है वो राइट एंगल का ट्रायंगल है। सो, हमारा जो ये होगा इसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर हाइट का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ये होता है हाइट और ये होता है बेस, उन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि ए बी का जो स्क्वायर होगा हमारा वो इक्वल होगा ए ओ के स्क्वायर प्लस में बी ओ के स्क्वायर के। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। जब कभी भी राइट एंगल बनता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो वहाँ पर हमारा जो हाइपोटेन्यूज होता है इसको डायगोनल भी कहते हैं, हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये एक रूल होता है जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो हमको यही निकालना है अभी, ए बी का स्क्वायर में जो लिखा है यानी कि ए बी निकालना है। तो बस सबका रूल यहाँ पर फॉलो कर दो, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, ए ओ यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस में बी ओ यानी कि 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 6 6 जा 36 प्लस में 8 8 जा 64। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 6 और 4 10 का 0, कैरी हो गया 1 6 और 1 7 और 3 हो जाएगा 10, यानी कि 100। तो ए बी का स्क्वायर हमारा कितना निकल गया, 100 निकल गया। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, सिंपली ए बी निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, और जब कभी भी स्क्वायर ट्रांसफर होता है ना तो वो क्या हो जाता है, हमारे अंडर रूट में आ जाता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू अंडर रूट 100। तो अंडर रूट 100 का मतलब कि अब इसको हमको स्क्वायर बनाना है। तो ये बन जाएगा हमारा ए बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 10 ही हमारा 100 होता है, 10 का स्क्वायर ही ना 100 होता है। तो ए बी यहाँ से निकल जाएगा हमारा 10। ये देखो एकदम सिंपल चीज़ है, ये वाला आपने कहाँ पर पढ़ा है, जो हमारा स्क्वायर वाला चैप्टर होता है ना, चैप्टर नंबर 2 वगैरह, वहाँ पर आपने ये वाला चीज़ को अच्छे से पढ़ रखा है कि जब कभी स्क्वायर में आ जाता है हमारा तो उसका हम पेयर बनाते हैं और पेयर फिर बाहर निकल जाता है। तो ए बी का वैल्यू कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर निकल गया, क्योंकि ये दोनों भी हमारे सेंटीमीटर में दिए थे, तो ये भी हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो जब हमारा ए बी 10 सेंटीमीटर है तो उसी के जैसे हमारा ये भी जो होगा, बी डी होगा वो भी 10 सेंटीमीटर होगा, सी डी जो होगा वो भी 10 सेंटीमीटर होगा, और जो ए सी है वो भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि हमारा रोम्बस में जो चारों साइड्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना है, जब कभी भी रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना उसको बाइसेक्ट कर लो, आधा आधा जो उसका मेजरमेंट है वो निकाल लो, और ये जो थर्ड वाला साइड है उसको फाइंड कर लो ये वाले फॉर्मूला से। हमेशा बस एक बार ही नहीं बता रहा मैं, और रोम्बस से कभी भी रिलेटेड हिसाब से क्वेश्चन आता है ना तो इसी मेथड से बनाया जाता है, सबसे ईजी मेथड यही है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा मैंने डिटेल में ज्यादा समझा दिया, चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी समझ लेते हैं। देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी जो है कि स्क्वायर दिया हुआ है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी ए डी। सी ए डी किसका नाम है, देखो सी ए डी यानी कि ये वाली जो एंगल हमारी बन रही है ना यहाँ पर, इसका हमें मेजरमेंट पता करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हमें एक हिसाब से बोल दिया कि ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर में ये हमारे जो चारों साइड होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं। देखो इसको तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव आता है ना तो आप डायरेक्ट भी बना सकते थे। ये क्या होता है हमारा टोटल, ये हमारा टोटल होता है 90 डिग्री। हमारे पास पता है ना कि स्क्वायर के जो चारों साइड्स होते हैं उसमें जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ये 90 बना है तो यहाँ पर भी 90 बनेगा, यहाँ पर भी टोटल 90 बनेगा, यहाँ पर भी टोटल 90 बनेगा। तो 90 डिग्री को ही क्या कर रहा है, ये बीचों बीच से तो कट कर रहा है ना ये लाइन, यानी कि 90 का था कितना हो जाएगा, बीचों बीच से कट करना यानी कि उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना। तो 90 का था कितना होता है, 45 होता है। इसका जाहिर सा मतलब है कि ये वाला जो हमारा एंगल बनेगा ना वो 45 डिग्री का बनेगा। तो ये तो हो गया हमारा ओरली। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करना है आइए वो दिखाते हैं आपको, यानी कि वो समझाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल हमारा बन रहा है ना, ये जो सी ए डी, चलो मैं बना भी देता हूँ डायग्राम, ये तो आपको बार बार बुक दिखाना पड़ेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर डिस्टर्ब हो जाओगे। तो इस तरीके से हमारा बन रहा था, ओफो हड़बड़ी नहीं, आराम से। ये हो गया हमारा एक स्क्वायर, इसमें हमें ये वाला नाम दिया हुआ है डी, इसका नाम सी, इधर से ए और बी दिया हुआ है, ये वाला हमें मेजरमेंट फाइंड करना है, और यहाँ पर इसका जो हमें लेंथ दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। हम क्या जानते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल होता है उसमें जो तीनों एंगल होता है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और उसके अलावा ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा ना ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि जो साइड्स होते हैं इक्वल हैं तो उनके जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिंपली कि इन ट्रायंगल ए डी सी में, ट्रायंगल ए डी सी में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ये वाला एंगल है यानी कि एंगल नंबर ए इसका नाम अगर हमको देना है तो डी ए सी देना पड़ेगा ना, क्योंकि जब भी किसी भी एंगल का नाम दो ना तो उसको आप क्या करो, वर्ड को उस लेटर को बीच में रखो। तो हमको इस एंगल के बारे में बताना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका नाम सी ए डी भी दे सकते हैं या फिर डी ए सी भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सी ही लिख देता हूँ ताकि आसानी से दिखे। तो सी ए डी और जो होगा वो इक्वल होगा इस वाले एंगल के, यानी कि डी सी ए के। यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल डी सी ए के, ये दोनों एंगल क्यों होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनका हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, तो इनका नाम हम दे देते हैं एक्स डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो लेट भी करके लिख सकते हो, लेट एक्स डिग्री, इज दैट क्लियर। तब हम क्या जानते हैं कि जो हमारा सम होता है तीनों एंगल का एक ट्रायंगल में वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिख भी लेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल,
ठीक है, एक ट्रायंगल में जो सम होगा वो कितना होगा, वो इक्वल होता है 180 डिग्री के, यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, मिला करके 180 डिग्री आएगा। तो इसका नाम हमारे पास क्या दिया हुआ है, CAD दिया हुआ है। वैसे बुक में हमें CAD ही दिया था ना, क्वेश्चन 11 में हाँ CAD दिया हुआ था, तो हम यहाँ पर हमें CAD लिख लेंगे कि एंगल नंबर हमारा जो CAD है उसमें अगर हम प्लस करते हैं ये वाला एंगल यानी कि DCA और उसमें प्लस कर देते हैं ये वाला एंगल यानी कि ADC, तो इक्वल आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब इसका और इसका मेजरमेंट हमने कितना मान लिया है, x डिग्री मान लिया है, क्योंकि दोनों इक्वल थे तो एक ही नाम देना था दोनों का, तो ये भी x और ये भी x, प्लस में ADC जो है हमारा ये 90 डिग्री का बना रहा है, तो प्लस में 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। बस यहीं से आपको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो ये 90 को पहले उधर ट्रांसफर कर दो और x मिल करके 2x हो जाएंगे, तो इक्वल हो जाएगा हमारा 180, ये 90 इधर प्लस में, इधर आकर के 90 माइनस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 80 में से 90 माइनस होगा, कितना आएगा 180 में से 90 माइनस होगा तो 90 ही आएगा, तो 90 डिग्री। अब x का वैल्यू निकालना है तो इस 2 को भी इधर ट्रांसफर कर दो, 2 इधर यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर आकर के 2 जो होगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 90 को आधा डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45 ही आएगा, तो 2 × 2 देखो 2 × 4 जो हो जाएगा यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 में से 8 का 2 बच गया 1, वो आगे जाकर इसे 10 बना देगा, तो 2 × 5 = 10। तो x का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ से, 45 डिग्री निकल गया। तो जब x का वैल्यू 45 डिग्री है तो x हमने किसको माना था, CAD को ही तो माना था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा सो एंगल नंबर CAD इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस तरीके से आपको फाइंड करके भी दिखाना है, ओरली भी बताना है और फाइंड करके भी दिखाना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे। ये जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द साइड ऑफ ए रिक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:4। रिक्टेंगल के जो साइड है वो 5 और 4 के रेशियो में है, यानी कि जो लेंथ है मान लो वो 5 होगा, ब्रेथ जो होगा 4 होगा। तो एंड इट्स पेरीमीटर इज 90 सेंटीमीटर, और उसका पेरीमीटर भी हमको दे दिया गया है, तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन हमारा कौन सा पता है, ये सब वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हमें पेरीमीटर दिया रहता था ना, कहाँ गया पेरीमीटर वाला, बहुत सारे क्वेश्चन हमने बनाए थे भाई, ये वाला था। देखो यहाँ पर रेशियो दिया हुआ था ना क्वेश्चन नंबर 6 वाला, तो यहाँ पर देखो पेरीमीटर दिया हुआ था और ये क्या दिया हुआ था, रेशियो दिया हुआ था। बस इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें हम लोग को बस क्या बोल रहा था साफ साफ कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, यानी कि उसके साइड्स का लेंथ पता करना है, तो हम फर्स्ट साइड और सेकंड साइड उसको नाम दे देते थे। यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है कि उसके जो लेंथ और ब्रेथ है ना उनका हमको बताना है, तो बस वहाँ पर नाम चेंज करना, बाकी सेम जैसे पहले सॉल्व करते थे ना वैसे ही सॉल्व करना है। वहाँ पर हम साइड नाम दे देते हैं, यहाँ पर उसका नाम लेंथ दे देंगे और ब्रेथ दे देंगे। आइए सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो हमने रिक्टेंगल बना लिया है, हमको रेशियो दिया रहता है ना, तो कभी भी जब भी रेशियो दे तो x मान करके उसे सॉल्व करना। जैसे यहाँ पर हमें 5 दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है, तो हम इस लेंथ को क्या कर लेते हैं 5x मान लेते हैं। उसी तरीके से जो ब्रेथ है वो हमें कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है रेशियो में, तो उसे हम क्या कर लेते हैं 4x लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख भी लेंगे कि लेट द लेंथ बी 5x एंड ब्रेथ बी 4x। मान लिया जो लेंथ है हमारा 5x है और जो ब्रेथ है वो 4x है, 5 और 4 कहाँ से आ गया, ये हमें रेशियो ही दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस में ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 4x, यही पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर इसको फाइंड कर लो, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और 9x में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 9×2 = 18 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 18x, इतना क्लियर है। अब उसके अलावा हमको क्या दिया हुआ था यहाँ पर, उसका ये दिया हुआ था यानी कि पेरीमीटर खुद दिया हुआ था, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरीके से कि ऑल्सो पेरीमीटर, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना, जो हमें दिया हुआ है पेरीमीटर वो कितना दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बस यहाँ पर से अब हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला से निकाला है और ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा 18x इक्वल टू 90। बस यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, तो x इक्वल टू हो जाएगा 90, 18 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर के 18 जो होगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा 18 × 18, 18 × 5 = 90, तो x इक्वल टू निकल गया हमारा यहाँ से 5। तो जब x का वैल्यू पता चल गया है तो हम लेंथ आराम से बता सकते हैं और ब्रेथ भी आराम से बता सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम सो लेंथ इक्वल टू, जो कि 5x दिया हुआ था, तो 5x मतलब कि 5 × x, तो यहाँ पर x का वैल्यू हमको मिल चुका है पहले से ही, कितना मिला है 5 मिल गया यहाँ से ना, तो 5 × हम यहाँ पर 5 कर देंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5×5 = 25, और ये किस चीज़ में निकलेगा, सेंटीमीटर में निकलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि पेरीमीटर जो था वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था। उसी तरीके से जो हमारा ब्रेथ है
वो कितना हमने निकाला यहाँ पर से 4x माना था, तो वो भी हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई एक्स की जगह में 5 लिख दो, क्योंकि एक्स का वैल्यू जो निकला है वो 5 निकला हुआ है, तो 4 × 5 जो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो लेंथ है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, सॉरी लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो 20 सेंटीमीटर है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो डिटेल में आपको थोड़ा सा समझा भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि उनका नेम द फॉलोइंग वगैरह केवल रटना नहीं है, समझ करके अगर याद करोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।